कब और कैसे शुरू हुआ आलोक वर्मा राकेश अस्थाना का झगड़ा? क्या सीबीआई में आए महाभूचाल से हिल जाएगी सरकार? इस वक्त सीबीआई में चल रही अंदरूनी जंग से पूरा देश हैरान है। सीबीआई के टॉप ऑफिशियल्स आपस में ही लड़ रहे हैं। कभी किसी के दफ्तर में छापेमारी हो रही है तो कभी किसी के घर के बाहर से जासूसों को पकड़ने का दावा किया जा रहा है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई में आए इस महाभूचाल में सरकार को हिलाने और गिराने की कुव्यत है। लेकिन आखिर क्या है ये महाभारत और सीबीआई की अंदरूनी लड़ाई सरकार के लिए क्यों खतरनाक है, इसे हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। देखिए, सीबीआई में डायरेक्टर हैं आलोक वर्मा, स्पेशल डायरेक्टर है राकेश अस्थाना। कहानी में पेच अक्टूबर 2017 में तब शुरू हुआ जब वर्मा ने सीवीसी के नेतृत्व वाले 5 सदस्यीय पैनल की बैठक में अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर प्रमोट किए जाने पर आपत्ति जताई। ये तकरार तब और बढ़ गई जब जुलाई में सीवीसी ने सीबीआई में प्रमोशन को लेकर चर्चा करने अस्थाना को एजेंसी में नंबर 2 की हैसियत में बुलाया। जब ये बात वर्मा को पता लगी तो उन्होंने सीवीसी को लिखा कि उन्होंने अपनी तरफ से मीटिंग में शामिल होने के लिए अस्थाना को अधिकृत नहीं किया है। इसके अलावा दोनों के बीच मीट कारोबारी, आईआरसीटी घोटाला और शरद घोटाला समेत कई मामलों में मतभेद उभरे। इन सभी मामलों की जांच राकेश अस्थाना कर रहे थे। ये सभी अभी चल ही रहा था कि 24 अगस्त 2018 को राकेश अस्थाना ने कैबिनेट सेक्रेटरी और सीवीसी को एक पत्र लिख दिया, आलोक वर्मा भ्रष्टाचार के कई मामलों में लिप्त है। इस बीच एक और बड़ी घटना हुई कि राफेल सौदे में घोटाले और गड़बड़ी की शिकायत देने गए नेताओं से सीबीआई प्रमुख आलोक वर्मा न सिर्फ मिले बल्कि कथित तौर पर उनकी खूब आवभगत भी की गई। बताते हैं कि आलोक वर्मा राफेल डील को लेकर पीई दर्ज कराने पर विचार कर रहे थे जिसकी जानकारी सरकार तक पहुँच रही थी। कहा जा रहा है कि सीबीआई में जो कुछ भी चल रहा था उससे सरकार खुश नहीं थी, लेकिन सीधे सीबीआई के कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी, लिहाजा सीवीसी की सिफारिश पर दोनों को छुट्टी पर भेज दिया गया। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।